पैखाना का सिस्टम भी होना चाहिए। तो दुनिया में
एक सिस्टम पर चलाया है, बसाया है। तो कलाम पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन 30-12 कुरान को अल्लाह ने फरमाया कि ये सूरह फला दिन तब आएगा, वो से सुनेगा, कभी नहीं सुने। अल्लाह ताला ने 114 सूरतों को कलाम पाक के अंदर 30-12 के अंदर बयान फरमाया, तो अल्लाह ने बताया कि ये सूरत जो है ये जुमा के दिन पढ़ी जाएगी, ये सूरत जो है मगरिब की नमाज में पढ़ी जाएगी, ये सूरत जो है जुमे की नमाज के दिन पढ़ी जाएगी, ये सूरत जो है इमाम जब खतीब पर तशरीफ ले जाएंगे तो ये सूरत को पढ़ी जाएगी। तो कलाम पाक के अंदर 114 सूरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिस्टम बताया है दुनिया के लोगों पर के फला जगह फला नमाज में फला दिन में फला वक्त में ये सूरत को पढ़ी जाएगी। ये सब आप लोग कभी नहीं सुने थे। तो आज की ये सूरत आप सूरत मुकम्मल का एक टुकड़ा आयत नंबर 26 और 27 आपके सामने तिलावत की गई। ये 27वां पारा सूरह अर रहमान के नाम से मशहूर और मशहूर है। कौन सूरह? सूरह अर रहमान। तो दूसरी रकात के अंदर रुकू के अंदर एक आयत का टुकड़ा तिलावत की गई है, वो ये है फरमाया और पूरी दुनिया के इंसानों को ये तंबीह कर दिया कि सुनो, जान लो, कान का ताला मोड़ के सुन लो, ये आसमान जो दिखाई दे रहा है 7 तबक आसमान, ये आसमान टूट जाएगा, ये जमीन टूट जाएगी, 7वां आसमान 7वां जमीन आपस में टकरा जाएगा और आसमान और जमीन के बीचों बीच कायनात के जितनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग हो और पहाड़ हो, समंदर हो, दरिया हो, नदी हो, तालाब हो, सब जो है मलिया मीट होकर के जो है चूर चूर हो जाएगा। इस आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि मैं आज दिन तलाब किया कुल्ला बना ले अफाक, सारी दुनिया खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। वह यह का वजह रब देगा सुजलाए वलिकराम, सब सब रब की जान, रब का चेहरा, सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा, बाकी दुनिया जो है फना हो जाएगी। ये इस आयत का मतलब है, सूरह रहमान के 26 और 27 नंबर की आयत का ये मतलब है। आप देखिए कि हम आप सुनते हैं कि कयामत आएगी, कयामत आएगी, गरीब आदमी अमीर का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अमीर आदमी गरीब पड़ोस पर जो है जुल्म सितम का पहाड़ बरसाता है, ये गरीब मजलूम बेचारा आह करते हुए रह जाते हैं, दौलत वाले से टकरा नहीं सकता है, सरमाया वालों से टकरा नहीं आ सकता है, जमींदारों से जो है लड़ नहीं सकता है, थाना और केस का मुकाबला नहीं कर सकता है, तो अफसोस करके कहता है ठीक है कयामत में समझ लेंगे। एक गांव घर में आलोचना होता है, गरीब बेचारा बोलता है कि ठीक मैं मान लिया, मैं समझ गया, मैं सब्र कर लिया, लेकिन कयामत में मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलता है गांव में, कह दीजिएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कयामत 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 लोग रखता है जवान से, लेकिन क्या कयामत आपके गांव में? अब्दुल रशीद साहब जो थे नसीब नसीब के अब्बा, उसका कयामत हो गया। डॉक्टर चौकीदार के अब्बा जो इंतकाल कर गया, उसकी कयामत हो गई। खैरुल मामा यासीन नदी वाला के अब्बा जो मर गया, उसकी कयामत हो गई। मतलब ये हुआ कि माता फकत कामत क्या मतलब, जो मर गया उसकी क्या मत वही हो गई, वो और क्या मत क्या करेगा, वो कब्र में सोया है, सारी कायनात
है कयामतों की। अल्लाह ने उसी को बताया कि आसमान जमीन पहाड़ समंदर दरख्त हजर सारे चीजें जो है चूर चूर हो जाएगी, उस दिन कयामत का मैदान होगा। इमाम कायनात नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कयामत इस तरह हो जाएगी जैसे कि मां और बहन गेहूं की रोटी चोखे और बेलना में धमा करके उसको बराबर जैसी करते हैं, सारी कायनात जो है फुटबॉल मैदान की तरह हमवार बराबर हो जाएगा और रोटी की तरह मुलायम गोल एक जरा ऊंच नीच जो है नहीं रहेगी, ये कयामत के मैदान है। तो अल्लाह कहता है कि कोई बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ रब की जात, सिर्फ अल्लाह की जात। आप देखिए कि अल्लाह ताला हम आपको कैसे सजाया है दुनिया में। करणगंगा के सब लोग एक दिन नहीं पैदा हुए थे और करणगंगा के सब लोग एक ही दिन नहीं मर जाए, तब तो आपकी बिल्डिंग आपकी जमीन जायदाद आपकी कारखाना आपकी साथ बिल्डिंग पड़ी रहेगी, क्या जरूरत। इसलिए अल्लाह का निजाम देखिए कि करणगंगा में सब एक दिन पैदा नहीं हुए थे और सब एक दिन नहीं मर जाएंगे, ठीक उसी तरीके पर अल्लाह ताला कहता है ताका अपने मौत से कोई बसर नहीं, सामान सौ वर्ष का पल की खबर नहीं। उंगली में इशारा करते हैं, इधर बाथरूम करेंगे, इधर सीढ़ी सिस्टम करेंगे, इधर तो कमरा निकाल देंगे दो बेटे के लिए, ऊपर में एक तो रूम कर लेंगे हमारे घर वाला घर वाली के लिए, मेहमान मन आएगा तो सामने एक रूम निकाल देंगे, इधर किचन कर देंगे, ईंट भी गिर गई बालू भी आ गया पत्थर से कॉन्टेक्ट हो गया, मिस्त्री का नाम काजोल का है यह है, रात में सोया खाना खा के 12 बजे थोड़ा पेट में दर्द हुआ, बोलते बोलते दर्द हो गया। अल्लाह शायद कहता है आगा अपने मौत से कोई बसर नहीं, सामान सौ वर्ष का बल की खबर नहीं, मौत आती है वहां जहां गर्म नहीं होता, बहुतों को कहां तक मयसर नहीं होता। अब करणगंगा की खबर लीजिए, कोई आसनसोल में मरता है, कोई पीजी में मरता है, कोई और कहीं मरता है, मौत आती है वहां जहां घर नहीं होता, बहुतों को कफन तक मयसर नहीं होता। समंदर में डूब के मर गया उसकी कब्र नहीं होती, उसका कफन नहीं होता, उसका जनाजा नहीं होता, उसके आग में दुआई मगफिरत नहीं होती, कोई आग में जलकर राख हो गया उसके लिए कब्र नहीं होती, उसका जनाजा नहीं होता, उसके लिए लोग अपने काम छोड़ करके कब्रिस्तान नहीं जाते, आग में जलकर राख हो गया, कोई ट्रेन से कट गया, कोई बाघ उसको खा लिया, चीता बालू उसको खा लिया, उसकी कब्र नहीं होती। एक ही है, आप घर में मरे, बाहर में मरे, हॉस्पिटल में मरे, कहीं मरे, आपको आलमे बरजख का कर एक नाम है जिसके यहाँ रूह जमा हो जाती है, वहां सवाल और जवाब होता है। अब मैं कह रहा था कि करणगंगा के सब लोग एक दिन में पैदा नहीं हुए और सब लोग जो है एक दिन में नहीं मरेंगे, क्या सिस्टम इंटरसिटी देते, इंटरसिटी टेम्पो आपको उठाने के लिए आता है स्वर्ग ड्राइवर, तो पापड़ में आप जाएंगे तो जितना चढ़ता है उतना उतरता है, इंटरसिटी में हवा जाने के लिए जितना चढ़ते हैं मालदा फरक्का से आने वाले वहां उतने उतरते हैं। दुनिया का एक सिस्टम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक को उठाता है तो एक को जन्म देता है, एक को ले लेता है तो एक को दुनिया में भेजता है, इसलिए दुनिया हमेशा हमेशा लगता है करणगंगा में ना कोई घटता है और दो एक मर जाने से भी पता नहीं चलता है, दो मर गया तो दो बहू के पेट से जो है बच्चा जन्म ले लिया, एक सिस्टम है। लेकिन मौत जो है वो आपको मरना है, मौत से किसको रुस्ते गाली है, आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी है। आदमी मौत से बचने के लिए दिल्लों का सफर करता है, आदमी मौत से बचने के लिए कलकत्ता फिजी का सफर करता है, आदमी मौत के बचाव के लिए बहुत कुछ जो है खर्चा करता है, लेकिन जहन्नम से बचने के लिए कुछ भी नहीं करता है, ना डरता है ना तवज्जो देता है, नहीं समझ। जिससे बच नहीं सकते उसकी बचाव के लिए फिक्र है, जिस आदमी मौत से घबराते हैं और बचने के लिए बहुत फिक्र करते हैं लेकिन मौत से कोई बचेगा, आज तो कोई बचा है गांव के 100 साल के पहले आदमी कहां गए, तो
सकते हैं लेकिन मौत से नहीं बच सकते हैं। हाँ, लेकिन आप अगर चाहें तो जहन्नम से बच सकते हैं। आप अगर चाहें तो जहन्नम से बच सकते हैं। और जहन्नम से बचने की क्या सूरत है? अल्लाह ने जो बताया, रसूल ने जो बताया, आलिम उलमा जो बयान करता है उसको मानना है। अब मोमिन मुसलमान है, आपको नमाज पढ़ना है। अब मोमिन मुसलमान है, आपको रोजा रखना है। अब मोमिन मुसलमान है, आपको अल्लाह के साथ हज करना है। अब मोमिन मुसलमान है, आपको सुन्नत का मुत्तबे होना है। अब मोमिन मुसलमान है, आपको फरमा लगाना है। अब मोमिन मुसलमान है, आपको झूठ से परहेज करना है। अब मोमिन मुसलमान है, आपकी बहू बेटी फरमा लगाना है। आप जहन्नम से बच सकते हैं लेकिन मौत से बच नहीं सकते। लेकिन उल्टा हो गया, आप समझते कि नहीं मेरी बात। अल्लाह को मालूम से मौत से बचने के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन जहन्नम से बचने के लिए कुछ नहीं करते। मामला उल्टा हो गया कि मौत से नहीं बच सकते लेकिन जहन्नम से बच सकते हैं। जब आपका अमल सही होगा, आपकी इबादत सही होगी, आपकी नमाज सही होगी, आपका रोजा सही होगा, आपकी रवादारी सही होगी, आप अमानतदारी की पासदारी रखेंगे तो आपको सही होगा। लेकिन मौत से आप नहीं बच सकते लेकिन जहन्नम से आप बच सकते। अल्लाह का सिस्टम देखिए, ये धरती ये जमीन ये मट्टी जिसके सीना पर अकड़ के चलते, अकड़ के कैसे अकड़ के? कीमती मोटरसाइकिल, कीमती मोबाइल और फिर ईयरफोन या हेडफोन, बेठंडा बैठने की कोई सूरत नहीं, और गाड़ी चलाते जाते हैं और इस तरह बात करते जाते हैं तो जान की भी परवाह नहीं करते। अभी इमरान से साइड में खड़े हो जाए, बात कीजिए, क्या बात है? तेज रफ्तार का गाड़ी है। तो ये जमीन पर हम अकड़ के चलते हैं लेकिन इस जमीन के अंदर हम और आपको इसके नीचे दबना है, इसके नीचे जाना है, इसके नीचे दफन होना है। ये धरती जमीन जो है, ये पूरी दुनिया की जो जमीन है, ये स्टेशन नहीं समझे। पूरी दुनिया इतनी लंबी चौड़ी है, ये जमीन जिसकी पीठ पे हम आप चलते हैं, ये स्टेशन है। और ये दुनिया रेल है, ट्रेन। और हम आप हयात का टिकट लेके आए। आगे बताता हूं, पूरी दुनिया स्टेशन है और ये दुनिया स्टेशन ट्रेन है, ट्रेन। और हयात का टिकट हम आप लेके आए हैं। जहां तक आपका टिकट होगा वहीं तक आप जा सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। आप ठाकुर में चढ़े हैं, पटना तक आपका अगर टिकट है तो पटना तक ही आप पहुंच सकते हैं। पटना में अगर टिकट कितने हैं पाकुर आने का, तो पाकुर ही तक आ सकते हैं, पाकुर से बाहर आप नहीं सकते हैं। इसलिए ये धरती जो है स्टेशन है, ये दुनिया ये ट्रेन है, और हम आप पैसेंजर हैं, हयात का टिकट लेके आए हैं। जब तक हमारे टिकट रहेगा तब तक दुनिया में हमारा दर्द भरन रहेगा। टिकट खत्म, ट्रेन से आपको उतर जाना है और हिंदुस्तान छोड़कर कब्रिस्तान आपको जाना है। इस जमीन के नीचे आपको दफन होना है, मरना है, सबको मरना है। आप एक जनाजा का गुजर हुआ, चंद आदमी जो है आपस में बैठे हुए थे, कौन मारा? बोले फला काम का मर गया। नहीं मालूम तुमको? बोल रहे बोले माइकिंग हुआ था, बोल नहीं मालूम। तो लोगों ने कुछ कहा, गौर से सुनिए, एक जनाजा गुजर हुआ तो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने बात को सुन करके क्या कहा? वजह पर फिर एक दूसरा जनाजा का गुजर हुआ तो लोगों ने आपस में तज़किरा किया, क्या किया नहीं मालूम। तो तज़किरा सुन लेने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा वजह पर सहाबा इकराम ताज्जुब में पड़ गए। और आप लोग भी शायद मेरी बात को अब तक नहीं समझे, मैं आगरा दोहरा देता हूं। अरे खटिया में लेके जनाजा पार हुआ तो जब सहाबा इकराम आपस में बैठे थे
आपस में कुछ बात किए, किसके बदले मरने वाला जनाजा जिसके जिसका जा रहा है उसके बारे में वो है ऐसा था वैसा था कुछ बोला। अल्लाह के रसूल ने सुन करके कहा वाजा पर। फिर एक दूसरा जनाजा गुजरा तो सहाबा इकराम आपस में फिर उसके बारे में कुछ चर्चा किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा वाजा पर। सहाबा इकराम इकट्ठा हो गए और अल्लाह के रसूल से दरियात किए, सवाल किए कि अल्लाह के रसूल वो जो पहला जनाजा गुजर गया हम लोग आपस में कुछ बोल रहे थे तो आपने फरमाया वजह एक दूसरा जनाजा गुजरा तो हम लोग आपस में कुछ कह रहे थे तो आपने कहा वजह इसका मफहूम हम लोगों ने नहीं समझा, इसका क्या मतलब होता है आप नबी हैं अब हम लोगों को समझा दिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं समझा कर सुनाओ। पांच आदमी के कंधे पर जो जनाजा पहले गुजरा उस आदमी के बारे में आप लोगों ने उसकी बुराई बयान की कि सहाबा का ठीक हुआ, गांव शांत रहेगा, इलाका में सुकून मिलेगा, यानी उस मरने वाला के इस बारे में सहाबा इकराम ने बुरा वाला कहा, वो आदमी बकवास था, वो आदमी सर्कस था, वो आदमी झूठा था, वो आदमी से आदमी तंग था, उनके अंदर इंसानियत नहीं थी, उसकी वजह से गांव जो है बेचैन रहता था, थाना की पुलिस बार बार आती थी, कोर्ट में उनका दबाव दायर होता था। ऐसा आदमी बहुत है अपने गाँव में, हमारे गाँव में, पूरी दुनिया में। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वजबत लहू नार वो अल्लज़ी अस्नैतुम अलैहि शर्रा, जिसके बारे में तुम लोगों ने बुराई बयान किया और बुराई बयान करने की वजह से वो आदमी जहन्नम नसीब हो गया, जहन्नमी है वो, जहन्नम चला गया। इसलिए आदमी जिसके हक में इशारा करता है कि आदमी तो अच्छा था, हाय अफसोस वो इंतकाल हो गया, गांव में बहुत बड़ा मर्तबा था, विचार हो गया में वो जाता था, गांव में उसका मकान था, लोग उसके इहतराम की निगाह से देखते थे, तो इस तरह का जब तज़किरा किसी के बारे में करेगा तो ये दुआ है। अल्लाह के रसूल कहता है वादा मतलब जन्नत हो अल्लज़ी अस्नैतु अलैहि खैरा फतहुल जन्नत हो, जिसके बारे में तुमने अच्छा बयान किया वो नेक आदमी था, उसकी मौत पर अफसोस जाहिर किया, उसके नमाज जनाजे में या उसके मगफिरत में आप लोगों ने हिस्सा लिया, वो भलाई जिसके बारे में बयान किया इसके अंदर में जन्नत वाजिब हो गई। अब समझे कि अच्छा आदमी जब मरता है तो लोग उसके बारे में तज़किरा करता है, चचा बहुत अच्छा था, गांव घर में खबर रखता था, मस्जिद का मस्जिद की खबर रखते थे और समाज के कामों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, तो उसकी अच्छाई को बयान किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इसका मतलब हुआ कि आप कल भाई से झगड़ा किए, परसों सीमा लेके टेंशन हो गया, दूसरे दिन लेन देन में लेके झगड़ा हो गया, चौथे दिन दुकान में सौदा खाए पैसा नहीं दिया तो वो आपके गले में गमछा लगाकर खींच लिया, तो सारी दुनिया अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपके मरने पर आपकी मौत पर लोग खुश होंगे कि अच्छा हुआ मरा, तो लोग अगर अच्छा कहे तो अल्लाह अच्छा कहेगा, लोग अगर जमीन पर बुराई बयान करे तो रब भी उसको बुरा बयान करेगा, पब्लिक का ऐलान पब्लिक का आलोच होना जिसके बारे में अगर भलाई होता है तो इंसान भला है, जिसके बारे में बुराई होता है तो रही है, तो पब्लिक अगर तुमको अच्छा कहे ये दुआ है और पब्लिक अगर आपको बुरा कहे तो ये क्या है, ये खराबी है, ये जहन्नम जाने की अलामत है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि वजबत वजबत दोस्त बुजुर्ग, इसलिए काम घर में अपने समाज में बड़ों की इज्जत देने होगा, छोटों पर रहम खाने होगा, माँ बाप की इताअत करने होगा, आपके जो मर्तबा वाला आदमी है उसकी पोजीशन को बरकरार रखने होगा, अपने आप को जो है सही रहने होगा, अपने आप को जो है गीबत से चुगलखोरी से जिना से बटवारी से झूठ बोलने से शराबखोरी से कमारबाजी से लोटरी तलाश पिटने से अपने आप को दूर रखने होगा, तो आपके अंदर सब आदमी जो है सनाखानी करेगा, तारीफ करेगा कि फला लड़का अच्छा है, फला आदमी अच्छा है, फला का बेटा फला अच्छा है, फला का भाई फला अच्छा है, तो सब अगर अच्छा कहे तो आसमान वाला भी अच्छा कहेगा और आपका ठिकाना कहाँ है, जन्नत है। और लोग अगर आपकी तरफ इशारा कर दे कि बहुत बदमाश है, बहुत खराब है, ये बदमाश ही किसी का लोग है, तो लोग अगर बुला कर दे तो आपका ठिकाना जन्नत। दोस्तों बुजुर्गों,
देह मौत के सिलसिले में आपके सामने मैं बयान रख दिया कि इंसान को दुनिया में समझना है और मौत से बचाव की कोई सूरत नहीं है, लेकिन जहन्नम से बचने की सूरत है। अगर आप कुरान और हदीस के मुताबिक अगर अपनी जाहिर लाइफ को, अपनी जिंदगी को गुजारना चाहे तो आप गुजार सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया। सुनिए, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा पढ़ता है और मौलवी साहब इतनी बड़ी लाठी लेके उसको कभी कभी मारता है। तो आपके मोहल्ला में मस्जिद है तो जो अभी छोटा है, अभी तो मोहनपुर चार टोला में कल से मस्जिद हुई है, बाकी तो किसी मस्जिद में इमाम नहीं रहता था, एक भागापुरा मदरसा वही चलता था। तो मान लीजिए जो बच्चा है वो अभी पढ़ रहा है, लेकिन जो 15 साल का है, जो 22 साल का है, जो 30 साल का है, 50 सोना जवान है, मान लीजिए आपको कलाम पाक नहीं पढ़ना आता, गौर से सुनिएगा, 40 से 50 इस गांव में नौजवान है जो कलाम पाक नहीं पढ़ सकता है, तो आप क्या कीजिए? कलाम पाक तो आपको पढ़ना नहीं आता, अब सारी दुनिया की किताब पढ़ ली है, मोबाइल में बहुत कुछ मालूमात हासिल कर ली है, लेकिन कुरान की तालीम आपके पास नहीं है। इमाम कायनात फकर मौजूदा नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाते हैं कि आज मोहनपुर का कोई आदमी अगर डीसी मोहनपुर में आए तो डीसी के सामने सब खड़ा नहीं हो सकता, कौन खड़ा होगा जो तालीम याफ्ता है, कौन खड़ा होगा जो गांव के मुखिया है, कौन खड़ा होगा जो इलाके के जिला परिषद है, और हम आप देखते ही डर गए। तो डीसी से अगर कोई बात कर लिया तो सब लोग बोलते देखा सर हम लोग उसको हल्का समझते हैं, लेकिन डीसी से बात कर लिया जी, हम तो सर से बात करता है, हम भी आदमी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बताया कि सुनो, कोई बंदा और कोई बंदी, इस दुनिया का कोई आदमी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो झोपड़ी कराने वाला हो या कुछ इमारत कराने वाले हो, चाहे वो जितने बड़े तालीम याफ्ता हो या अनपढ़ हो, अगर रब से बात करना चाहिए, अल्लाह से बात करना चाहिए, रब्बुल आलमीन से अगर बात करना चाहिए, फलियकरा कुरान, तो क्या करे वो कुरान पढ़े। डीसी पढ़ा कौन, अल्लाह पढ़ा हुआ, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पढ़ा कौन, अल्लाह पढ़ा हुआ। कायनात में जो मर्द हो या औरत हो, जब कलामुल्लाह खोल के तिलावत करता है तो कसम अल्लाह इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दे है, मन आरा अयतहदस रब्बह फलियकरा कुरान, जिस बंदा और बंदी का ये शौक हो कि हम रब से बात करेंगे, हम अल्लाह से बात करेंगे, नबी कायनात ने फरमाया फलियकरा कुरान, बंदा जाओ वुजू बनाओ, सब पे बैठ जाओ, किबला रुख होके बैठ जाओ, घर में हो, दुकान में हो, चौकी पे हो, पलंग पे हो, चेयर पे हो, और क्या बोलते हैं और किसी जगह पे हो या मस्जिद खुदा के घर में हो, कलाम पाक पढ़ो। तुम डीसीएसपी की बात कर रहे हो, हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, हम अल्लाह से बात करेंगे, उसका क्या हिसाब होगा? गांव वाला कभी बैठक हुई, नौजवान कभी इसके बारे में सोचे? जहां लोग 20-25 नौजवान जो है कम अज कम रात 8 बजे से 9 बजे तक एक घंटा मौला के पास, ये मौला से अगर ना हो किसी दूसरे मौला को बुलाएंगे और उससे आपसे लेके नहीं होगा। सुनिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये पूरी दुनिया क्या है यूनिवर्सिटी, सिलेबस इस्लाम है, सब्जेक्ट का कुरान है, टीचर विश्व नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, एग्जामिनर वल्दी अल्लाह, वो अल्लाह एग्जामिनर, पूरी वर्ल्ड, उम्र से पढ़ाई का कोई ताल्लुक नहीं है, वयस से पढ़ाई का कोई ताल्लुक नहीं है, अब जब चाहे अब पढ़ सकते हैं। अगर कुरान आप पढ़ ले तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये पूरी दुनिया यूनिवर्सिटी है, सिलेबस आपका इस्लाम है, सब्जेक्ट हमारा कुरान है, ये देश हमारा कुरान, 114 सूरत है, 23 साल जिंदगी में नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, जो गाइड है पूरी लाइफ का, पूरी जगत का, पूरी दुनिया का, आज मुसलमान से कुरान से ज्यादा फायदा हासिल किया वो गैर मुस्लिम ने। तो सब्जेक्ट हमारा कुरान है, टीचर एक ही है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर उसके गुजरने के बाद एग्जाम जो होगा वो टेस्ट का नहीं होगा, एग्जाम जो होगा वो फाइनल का नहीं होगा, एग्जाम जो होगा वो ग्रेजुएशन करने के लिए नहीं होगा, वो जन्नत जाने का होगा, वो जन्नत जाने का होगा, वो जहन्नम से बचने का होगा, वो जन्नत का रास्ता हमारा होगा, वो जन्नत का टिकट मिलेगा, वो जन्नत जाने का परमिशन मिलेगा, वो जन्नत जाने का सर्टिफिकेट मिलेगी, वो जन्नत जाने की सनद मिलेगी, वो जन्नत जाने का दाएं हाथ में अमल नामा मिलेगा। इसलिए कहा कि वल्ला यूनिवर्सिटी है, सिलेबस हमारा इस्लाम है, सब्जेक्ट हमारा कुरान है, और टीचर नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और एग्जाम देने वाला वो कौन है, एक वादरुल शरीफ जो आसमान का मालिक है, जो जमीन का मालिक है, जो हयात का मालिक है, जो मौत का मालिक है, जो नौजवान अता करने वाला है, जो बुढ़ापा की जिंदगी देने वाला है, जो कायनात के तरह तना निजाम को चलाने वाला है, वही एग्जाम लेने वाला है, वही एग्जाम देगा। आप इस तरह की तालीम का इंतजाम कर सकते हैं। मैं क्या बताया था मेरा मुर्तब हो, मैंने कहा मौत से किसको रुस्ते गाली है, आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी, सबको मिलना। एक हदीस बयान करके थोड़ा पूछा दूंगा इंशाल्लाह, दो मिनट में। नसाई शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम, मूसा नबी का नाम सब लोग जानते हैं, तो मूसा नबी दुनिया में नबी बनाकर भेजे गए, तो नबी की भी तो होता है, हम तो भी मरे हैं। आप देखिए आपके हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे वो सब भी दुनिया छोड़ गए हैं, हम वापिस जाएंगे। तो मूसा नबी का मौत का वक्त करीब आ गया, तो मूसा नबी अलैहिस्सलाम एक नबी है, इतने बड़े इलाके के लिए भेजे गए हैं, तो रात उस पर नाजिल हुई है। अब मूसा अलैहिस्सलाम किसी मसले में है, किसी काम में है, किसी बिजी में है, और अजराइल मालिकुल मौत जो है एक इंसान की शक्ल इख्तियार करके आया और दरवाजा खुला और जाके मूसा आपको मरना है, मैं आपको मारता हूँ, जैसे बुखारी का जिक्र कर रहा हूँ, वो नबी मूसा अजराइल जो मालिकुल मौत, जो मेरे बाप की रूह को ले गया, जो मेरी माँ की रूह को ले गया, जो आपकी माँ की रूह को ले गया, जो आपके बाप की रूह को ले गया, जो कायनात की रूह का मालिक है, रब के परमिशन से वो जो है कब्ज करते हैं, खींच लेते हैं। ये मलिकुल मौत इंसान की शक्ल इख्तियार करके आया मूसा नबी के पास और कहा मूसा नबी आपको मरना है, मैं भी आपको मारूंगा। मूसा नबी गुस्से में आ गए, अरे तुम मारने वाले कौन हो, रूम में आया तो परमिशन नहीं लिया, मेरे पास आया तो सलाम नहीं किया, मेरे पास आके अपनी पास तारीफ नहीं करवाया, और मैं एक नबी हूँ, अल्लाह ने मुझको नबूवत से सरफराज किया है, मुझ पर एक किताब उतरी है जिस किताब का नाम तौरात है, और तुम आए हुआ काम कर रहे हो, कसम अल्लाह बुखारी की हदीस है, मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और इस तरह हाथ का मुक्का बनाया और एक फाइटिंग इतना जोर से लगाया, एक आंख जो है फूट गई, बेचारा अंधा हो गया। कौन मालिकुल मौत अजराइल जो पूरी दुनिया का कब्जा में है, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक फाइट लगाया, उसकी आंख जो है फूट गई, आंधी हो गई, देख नहीं पा रहा था। अब एक हाथ को आंखों में दबाते हुए गेट से निकला और सीधा परवाज हो गया सात आसमान के ऊपर, कहा अल्लाह के पास, तो रो रहा था, तो अल्लाह ने कहा रोते क्यों, कल्ला आप हमको भेजे दुनिया में मूसा नबी सलाम के पास मौत को पैगाम लेकर के, तो मैं उसके गद्दी में, मैं उसके वापिस ले गया, तो मूसा नबी सलाम से मैंने कहा कि आपका मरने का वक्त हो गया, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, तो मूसा नबी सलाम को साफ करके मुझको ये फाइटिंग लगाया, तो मेरी आँख जो है टूट गई। सही बुखारी के हदीस बयान कर रहा हूं, तो अल्लाह ने कहा इस तरह की बात है, हां काहे मारा, बोले आप जानते हैं, आप भेजे यार बोल नहीं किया, बता नहीं जाता है, आप मैं गया बेकार को चला दिया और मार दिया, तो अल्लाह ने कहा जाओ जाओ दोबारा जाओ, बोले अल्लाह एक बार गए तो मेरा ये हाल हुआ, दूसरी बार भेजने या और कुछ हो सकता है, कहा तुम जाओ ना, डरते 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 यार अल्लाह ने कहा जाओ,
उसको बोलेगा ये एक बैल है या गाय गोरू जिसको हम लोग रखते हैं, तो ये हाथ है, ये हाथ तो हम लोग का तो छोटा हाथ है। और आदम अलैहि सलाम थे 60 फुट लंबा, कितना बोला 60 फुट। तो जिस आदमी 60 फुट होगा तो उसका हथेली का कब्जा भी बड़ा होगा ना, उंगली भी बड़ी होगी, बैल भी बड़ा होगा। और नमाज की जगह आप लोग 3 कतार में जो बैठे ना, एक रुकू में अपना जगह लगेगा। अरे जो दिल्ली में जाके देखे जामी मस्जिद में 2 सफ में एक आदमी नमाज पढ़ता था, पहले हमारे के सब बनाया है, इतनी बड़ी सब जो है उसको रखती थी। तो मूसा अलैहि सलाम थे उतने बड़े, तो कहा अल्लाह ने कहा मलिकुल मौत से जाओ मूसा से कहो कि अपना हाथ की हथेली को ये दल हाथ को एक गाय गोरू की पीठ पर रखेगा और इस हाथ के नीचे जितना रूम दबेगा, ये चुरबाव का एक हाथ के नीचे जितना रूम आएगा एक एक रूम के बदले में 100 साल का इजाफा होगा, एक एक रूम के बदले में एक एक साल का इजाफा होगा। अगर 1 करोड़ बाल उसके नीचे आया तो और 1 करोड़ साल बचेगा, अगर 1.5 करोड़ बाल उसके नीचे में आया तो मूसा अलैहि सलाम 1.5 करोड़ साल बचेगा। मलेकुल मौत आया और कहा कि मूसा अलैहि सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हुक्म है और आप अपने हथेली को जो है गाय या बैल के पीठ पर आप रखिए और जितना लून दबा जाएगा एक एक लून के बदले में आपको एक एक 100 साल का जो है इजाफा कर दिया जाएगा। मूसा अलैहि सलाम ने कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताओ अगर 1.5 करोड़ बच गया हमें साल या 2 करोड़ साल बच गया फिर उसके बाद क्या होगा? तो अल्लाह ने कहा मलिकुल मौत ने कहा उसके बाद वही होगा जिसके लिए आप मेरी आंख को फोड़ दिया और मेरे पैगाम को आपने रद्द कर दिया। वो बोल रहे क्या मौत को तैयार नहीं है, आपको उसके बाद भी मरना ही मरना है, उसके बाद मरना ही। आपकी तबीयत खराब थी पीजी ले गए अच्छा हो गए, कितना दिन बचे और 2 साल, फिर 2 साल के बाद जो है सर चकराता है बिल्लर ले गया वहां दवा पानी देके चले आए, कितना बचेंगे और 2 साल, सारी दुनिया इलाज कर दिया जाएगा और बच के जाएंगे तो कोई नहीं मरता। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि ठीक है अगर उसके बाद भी मुझको मरना है तो मैं अभी प्रस्तुत हूँ, अभी रेडी हूँ, ले आओ पैगाम हम कबूल कर लेते हैं। बात करते करते रूह जो है सीना से बर्बाद होकर के रब के हवाला हो गया। सबको मरना है, सबको मरना है, मौत से किसको रुस्ते गाली है, आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ होगी रब कायनात हम तमाम मुसलमानों को जो है ईमान पर मौत हो अल्लाह तो इसकी कोठी नका फरमा।